गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक जब आप लेते हो, चाहे वो डू फॉलो हो या फिर नो फॉलो हो, आपका वेबसाइट का ऑथोरिटी भी बहुत बढ़ता है और उसके साथ आपका रैंकिंग पोजीशन पे भी इंप्रूव होता है। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, फ्री में आप लोग गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक बना सकते हो। और आज मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आप लोग कैसे रिसर्च करोगे, कैसे इस तरह का पोर्टल फाइंड करोगे जहां से आप लोग बैकलिंक बना सकते हो। ठीक है, पहले प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप लोग इंस्टेंटली जाके अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकते हो। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, एक भी पॉइंट स्किप मत करना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पे हूं। सबसे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाए और ऑल पे दबाए। ठीक है दोस्तों अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक बनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कहां से आप लोग बैकलिंक बना सकते हो और ये कैसे करोगे। अगर आप बैकलिंक को एनालाइज करना चाहते हो, सबसे पहले आपको आरएफ अकाउंट चाहिए, और आरएफ तो पेड है। जिनके पास अकाउंट है वो करिए, अगर आपके पास नहीं है, मैं हर महीने अपने वेबसाइट पे भी कुछ गवर्नमेंट बैकलिंक के लिए वेबसाइट मेंशन करूंगा। ठीक है, जहां पे आप लोग जाके बना सकते हो। अगर आपके पास आरएफ अकाउंट है, जो प्रोसेस अभी मैं आपको बता रहा हूं वो प्रोसेस फॉलो करिए। ठीक है, सबसे पहले मैं ओपन करता हूं एक, यहां पे देखिए मैं आरएफ अकाउंट ओपन करके रखा हूं और यहां पे एक वेबसाइट को डाल के रखा हूं, जिसका ऑथोरिटी आप लोग देख सकते हो 66 डोमेन रेटिंग है और यूआरएल रेटिंग 56 है। और अभी आप देखेंगे यहां पे बैकलिंक सेक्शन को, यहां पे क्रॉल्ड पेज पे देखिए रिफरिंग डोमेन, और यहां पे आपको दिखेगा डू फॉलो इतना है और गवर्नमेंट वेबसाइट से कितना मिला है 17 बैकलिंक्स। तो अभी आपको क्या करना है, सीधे यहां पे उस 17 के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं रिफरिंग डोमेन सेक्शन में, और यहाँ पे गवर्नमेंटल रिफरिंग डोमेन जो सेक्शन है इसके अंदर हमें मिल रहा है 17 रिजल्ट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 17 रिजल्ट्स यानी कि 17 गवर्नमेंट वेबसाइट से इनको बैकलिंक मिला है। और सबसे पहले हमें और भी कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो लिंक्स टू टारगेट, इसके ऊपर ड्रॉप डाउन जो दिखा है 52 बैकलिंक इनको मिला है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कहाँ कहाँ से इन्होंने बैकलिंक लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ओपन किया ये वाला लिंक को, ठीक है, और अब ये देखिए लोड हो रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये रहा वो वेबसाइट, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए ये रहा oplux.com, ये जो वेबसाइट का वो बैकलिंक यहां से बनाया गया है आज कमेंट करके। ठीक है, यहां पे आंसर करके बनाया गया है। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, सिंपली अगर आपको इस वेबसाइट से बैकलिंक बनाना है तो आपको सबसे पहले यहां पे साइन अप करना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको भी प्रोसेस समझा रहा हूं। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपको लिंक ऐड करना पड़ेगा, वो कैसे करते हैं मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग प्रोसेस समझिए कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। लेकिन आपने ये पोर्टल आपको मिल गया, ऐसा नहीं कि आपको अभी ये पोर्टल मिल गया, ऐसा नहीं है कि आपको इसी में ही बैकलिंक लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, और भी एक चीज देखना पड़ेगा, इसका स्पैम स्कोर कितना है, ताकि हमारा वेबसाइट का स्पैम स्कोर भी ना बढ़े। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मौज प्रो में। दोस्तों अभी मैं मौज प्रो के अंदर हूं, आप लोग देख सकते हो यहां पे इनका डोमेन अथॉरिटी, ये जो वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी है आप लोग देख सकते हो कितना है, यहां पे 84 है। लेकिन अभी टेस्ट करेंगे इसका स्पैम स्कोर। दोस्तों आप लोग खुद देख सकते हो ये वेबसाइट का स्पैम स्कोर ओनली 7 है। अगर कोई भी वेबसाइट आप जहां से बैकलिंक लेना चाहते हो उसका स्पैम स्कोर लेस देन 10 है या फिर 10 है, देन आप बेफिक्र होकर वहां पे बैकलिंक बनाइए, आपका स्पैम स्कोर नहीं बढ़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और लेकिन आप लोग देख सकते हो डीए कितना है, 84 का डीए, भाई आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। दोस्तों यहां पे मैंने आपको प्रोसेस तो बताया, आपको क्या करना है, आरएफ के अंदर बैकलिंक को एनालाइज करना है और वो बैकलिंक्स को आपको देखना है और उसका स्पैम स्कोर भी चेक करना है, उसके बाद आप बैकलिंक बनाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है स्टार्टिंग में कि मैं आपको कुछ ऐसे लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जहां पे आपको टेस्ट नहीं करना है, जो कि मैंने टेस्ट कर रखा है, आपको वहां पे सीधे बैकलिंक बनाना है। ठीक है, अभी दोस्तों आप खुद प्रोसेस समझ लीजिए, आपको इसी तरह किसी भी बड़े बड़े वेबसाइट को उसका बैकलिंक को एनालाइज आपको करना है, और एनालाइज करने के बाद उसका स्पैम स्कोर चेक करना है। अभी आप बोलोगे भाई अगर हमारे पास आरएफ नहीं है और मौज प्रो नहीं है देन हम लोग कैसे करें, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। मेरा ऑफिशियल वेबसाइट somyal.com,
बहुत सारे लोग विजिट किए हैं, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बता दूं वहां पे बहुत जल्दी मैं पोस्ट रेडी कर रहा हूं। पोस्ट अभी प्रोसेस में है, आज कंप्लीट नहीं हो पाया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। वो पोस्ट के अंदर आपको एवरी मंथ ऐसे ही डोमेन्स लिस्टेड होंगे जहां पे आप लोग फ्री में जाके बैकलिंक बना सकते हो। और ये सारे काम करने के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। और सपोर्ट क्या है, आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और ये सब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। दोस्तों अभी टाइम है हम बात करें कि आप लोग कहाँ पे जाके सीधे बैकलिंक्स बनाओगे, कुछ लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको नोटपैड दिखाता हूं और ये नोटपैड फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। और ये चार वेबसाइट से आप इजीली बैकलिंक बना सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूं, ये रहा एक वेबसाइट, ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट है, ठीक है, इंडिया का। तो यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आप लोगों को क्या और कैसे करना है, ठीक है, कैसे यहां से बैकलिंक लेना है। तो यहां पे देखिए ये जो सारे वेबसाइट है थोड़ा लेट लोड होंगे, टाइम लगेगा लोड होने के लिए। जैसे कि देख सकते हो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा भारत सरकार का यहां पे ये वेबसाइट है और यहां से हम लोग बैकलिंक लेंगे। यहां पे देख सकते हो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे यहां पे बहुत सारे लोगों ने, यहां पे देखिए 569 कमेंट्स यहां पे होके और कमेंट्स के थ्रू यहां पे बैकलिंक ले चुके हैं लोग, और आप लोग भी ले सकते हो। और मैं आपको बता दूं प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पे नीचे चलते हैं और जब आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा यहां पे देखिए कमेंट करने के लिए सेक्शन। सबसे पहले आपको कुछ लिखना है जैसे कि दिस इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन ऐसे कुछ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में मेंशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे लिख देता हूं गुड इन्फॉर्मेशन, मैंने यहां पे लिख दिया गुड इन्फॉर्मेशन। अभी मुझे क्या करना है, अभी यहां पे मुझे लिंक असाइन करना है, यानी कि यहां पे लिंक ऐड करना है जिसके ऊपर, यानी कि होम पेज पे या फिर जहां पे भी मैं अपना लिंक लेना चाहता हूं, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे और भी एक कोड मिलेगा नीचे, यहां पे देखिए ये नीचे वाला कोड को आपको कॉपी कर लेना है, उसको कॉपी करके यहां पे डालना है, ठीक है। आप पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो ए आर एफ, उसके बाद ये यूआरएल को हटा के आपको क्या रखना है, अपना परमा लिंक, यानी कि पोस्ट का यूआरएल। अगर आप पोस्ट के लिए बैकलिंक लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहां पे क्या करता हूं somehelp.com कर देता हूं, ठीक है, अपना ऑफिशियल वेबसाइट somehelp.com कर दिया, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी होता है ना https, आप टोटल को भी कॉपी कर सकते हो। उसके बाद somehelp.com मैंने कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कीवर्ड, कीवर्ड में आपको अपना कीवर्ड को टारगेट करना है, जैसे कि अभी यहां पे भी मैं वही करता हूं somehelp कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली यहां पे क्या करना है गुड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ये परमालिंक सेट कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको नेम में अपना नाम भरना है, जो भी आप भरना चाहते हो। उसके बाद ईमेल, ईमेल आपको ओरिजिनल भी भर सकते हो और फॉल्स भी भर सकते हो, यहां पे कोई वेरिफिकेशन मैसेज वगैरह जाता नहीं है, देन आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। बस gmail.com लास्ट पे ये रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना वेबसाइट को भी यहां पे मेंशन कर सकते हो, यहां पे नाम पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं पोस्ट कमेंट, यहां पे मैंने कर दिया पोस्ट कमेंट। अभी देखिए कमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, अभी रिलोड हो रहा है, ठीक है। यहां पे देख सकते हो प्रोसेस शुरू हो चुका है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये कमेंट भी यहां पे हो जाएगा और आपको मिल जाएगा हाई क्वालिटी बैकलिंक। आप लोग देख सकते हो यहां पे मुझे मिल चुका है बैकलिंक, ठीक है। ये मेरा जो नेम और नेम के ऊपर मुझे लिंक मिला है, उसके बाद गुड इन्फॉर्मेशन, यहां पे मैंने बनाया था लिंक्स, आप खुद देख सकते हो। इसी तरह आप लोग भी बैकलिंक ले सकते हो। और यहां पे आपको लिस्ट, ये जो नोटपैड का फाइल कहां पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बहुत ही जल्द, एक दो दिन के अंदर मेरे वेबसाइट के आप, लेकिन बहुत ही जल्द मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एक पोस्ट जहां पे ये गवर्नमेंट वेबसाइट जहां पे आप लोग फ्री में बैकलिंक बना सकते हो, इनका लिस्ट भी मिलेगा और उसके साथ आपको ये यूआरएल का स्ट्रक्चर मिलेगा, जहां पे आपको सिंपली क्या करना है, आपका लिंक को चेंज करना है, उसके बाद आपका कीवर्ड बदलना है और पेस्ट करना है, और इतना करने के बाद आपको कमेंट कर देना है, और कमेंट के थ्रू आप लोग गवर्नमेंट वेबसाइट से बैकलिंक ले सकते हो, हाई क्वालिटी बैकलिंक, ठीक है। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन डेफिनेटली कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करें। और आज का वीडियो बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।